हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। मेरा नाम है संदीप सिंह और आप देख रहे हैं देसी फिटनेस 22। सो, अभी सुबह के बज चुके हैं 6 और मैं खेतों की तरफ आया हूं क्योंकि आज मैं जिम नहीं जा पाया। 3-4 दिनों से मैं अपने कहीं पर्सनल काम में बिज़ी था, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, वो मैं अभी नहीं डालूंगा लेकिन जब टाइम आएगा तो मैं वो डाल दूंगा। तो 3-4 दिन से मैं बाहर ही था, तो बाहर रहने की वजह से मुझे कुछ उल्टा पुल्टा खाना पड़ जाता है, जिसकी वजह से मेरा थोड़ा सा फैट बढ़ गया है, मतलब पेट थोड़ा सा बाहर आ गया है, तो मुझे वो कम करना है वापस से। तो वापस से अपनी वही डाइट शुरू करेंगे और अभी मैं बाहर आया हूँ, थोड़ा सा यहाँ कार्डियो करूँगा, थोड़ी एक्सरसाइज करूँगा और फिर हम चलेंगे उसके बाद अपने घर, और फिर उसके बाद मुझे अपने सेंटर में जाना है। बाकी यहाँ खेतों में एक्सरसाइज करने का अपना ही मज़ा होता है, तो अभी मैं खेतों के अंदर आया हूँ, हमारे गांव के खेतों में। पीछे हमारा वो जो है वो गांव ही है, अभी जो है जो जीरी कट चुकी है, जिसकी वजह से अब ये खेत बिल्कुल खाली पड़े हैं, तो अब इसमें जो है गेहूँ बोई जाएगी। देखो दोस्तों, मौसम कितना साफ़ हो रखा है। उधर उस साइड ना 3 शेड से दिखाई दे रहे हैं, बीच में ऑरेंज है, ऊपर ब्लू है, थोड़ा सा नीचे ब्लैक साइड है, और उस साइड हमारा वो गाँव है पूरा, और ये हमारे गाँव के खेत हैं। यहाँ पर मैं करूँगा थोड़ी सी वर्कआउट और फिर हम चलेंगे अपने घर की तरफ। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है तो यहाँ पे वर्कआउट करने का अपना ही मज़ा होगा, तो अभी हम शुरू करते हैं अपनी वर्कआउट। वर्कआउट हो चुकी है ख़त्म, थोड़ा सा मैंने कार्डियो किया। अब चलते हैं हम घर की तरफ। सुबह के इस टाइम जो है 7:30 या 8 बजे का टाइम हो रखा है, तो अब घर चलते हैं, उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, उसके बाद फिर हम जाना है सेंटर में। तो चलिए मिलते हैं हम बाद। देखो सूरज भी बहुत ऊपर तक आ चुका है, कितना मस्त नज़ारा है, ये देखने में अच्छा लग रहा है बहुत, बिल्कुल रेड कलर का सन निकला है बाहर। दो तीन दिन से वर्कआउट नहीं की ना, तो इस वजह से बॉडी थोड़ी सी ज़्यादा थक रही है,
कुछ बाहर का उल्टा पुल्टा सुल्टा जो भी खाया मैंने, उसकी वजह से बॉडी का जो है वो बहुत स्ट्रेंथ डाउन हो गई है। तो अभी दोबारा से स्ट्रेंथ अपनी वापस लाएंगे, अपनी डाइट दोबारा से शुरू करेंगे, दोबारा से बॉडी को उठाएंगे। वो उस साइड मेरा गांव है, दिख रहा होगा शायद आपको, बस गांव के पास ही हरियाली है, तो हरियाली में अपना ही मज़ा होता है एक। और यहाँ मौसम देखो कितना सुहावना हो रहा है, ना कोई शोर है, ना कोई शराबा है, कुछ नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल शांति है। और शांति में रहने का अपना ही अलग मज़ा होता है। देख लो कितनी हरियाली है यहाँ पर, खेतों में घर बने हुए हैं। तो दोस्तों ये गांव के अंदर हम हो गए एंटर, तो ये है मेरा गांव। मस्त नज़ारा है ना। अगर आपको मेरी ये सारी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो, और नीचे कमेंट में लिख दिया करो आपको कैसा लग रहा है मेरी वीडियो को देख के। रास्ते में आ रहा था सेंटर की तरफ, तो मुझे एक पोल्ट्री फार्म मिला, उसमें मैंने देखा कि सारे मुर्गे काले, ब्लैक कलर के मुर्गे, मैं अभी आपको दिखा दूंगा, उसमें से ए टू जेड मुर्गे सारे काले हैं, अभी दिखा रहा हूं मैं आपको एक मिनट। ये सारे मुर्गे काले हैं, ब्लैक कलर के, मैं आपको पास जाके दिखाता हूं फिर आप। पोल्ट्री फार्म है पूरा, यहां पे सारे काले मुर्गे पाले जाते हैं, जितने भी हैं देख लो सारे काले मुर्गे हैं। ये काला मुर्गा है, मैंने तो पहली बार देखा। देखो ये वो इस ये वाले मुर्गे को देखो, इसका ना सिर पे जो ताज होता है वो भी, सिर का जो ताज होता है, ताजी बोलते हैं इसको या फिर कलंगी बोल दो, वो भी ब्लैक कलर की है इसकी, बिल्कुल इस मुर्गे की, तो कुछ की रेड है लेकिन इसकी ब्लैक कलर की है। ये हैं सारे ब्लैक कलर के मुर्गे। फाइनली हम आ चुके हैं हमारे सेंटर के अंदर, और ये मेरा सेंटर है। मेरे सेंटर का नाम ये है फल्गु ऋषि। सात बचेंगे मुझे, सात बजते बजते मैं घर पहुंचूंगा। घर पहुंचने पर भी वहाँ पे छोटे बच्चे हैं, मैं उनको पढ़ाता हूँ थोड़ा बहुत। आप
आप में से बहुत लोगों को लग रहा होगा कि मैं इस सेंटर में क्या सब्जेक्ट टीच करता हूँ, मैं क्या पढ़ाता हूँ। दरअसल मैं प्लस वन प्लस टू और टेंथ को जो है साइंस पढ़ाता हूँ। प्लस वन प्लस टू को मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ और टेंथ क्लास को मैं जो है वो साइंस पढ़ाता हूँ, क्योंकि साइंस ही होती है सब्जेक्ट टेंथ में। बस यही मेरी दिनचर्या है। बस सुबह उठता हूँ, 5 बजे उठता हूँ और 6 बजे जिम में चला जाता हूँ। जिम से आने के बाद फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ, थोड़ी जो बच्चों को पढ़ाना है थोड़ा सा प्रिपेयर करता हूँ। प्रिपेयर करने के बाद फिर मैं 2-2.5 बजे के आसपास यहाँ सेंटर में आ जाता हूँ। यहाँ पढ़ाने के बाद फिर वापस अपने घर, फिर वहाँ जाके फिर बच्चों को पढ़ाता हूँ और उसके बाद फिर खाना खाना खा के फिर सो जाता हूँ। बस यही मेरा दिन का रूटीन चलता रहता है सारा दिन। जो भी ये आगे हमारे सर जी इतनी लेट आए हैं, ये आए हैं भाई हमारे सर इतनी लेट आवा है, बताओ क्या करना था इनका। हाँ सर जी। हाँ जी सर। कड़ा रह लिए थे हम? किसका ब्याह में जा रहे थे? किसका ब्याह में जा रहे थे? जान दो आप किलो रसगुल्ले खा के फिर भी कहा उनका ब्याह में इनवाइट नहीं करा। नमस्ते भाई। नमस्ते भाई। स्कूल में से यही खाना खाना? डायरेक्ट स्कूल में आया? खाना खाना खाया भाई? आज भूख नहीं है लड़के ने। और सुना दो सर जी। बढ़िया आपने कॉल कर लिया। बस मैं वहाँ जब स्कूल में होंगे फिर मैं ज्यादा कॉल नहीं करा आपका। आप उस रूम में चलो। मैं वो लियो पहले हेलमेट। ये तो 3 दिन की होगी, संडे मंडे ट्यूसडे। के बात होगी सर जी, कोई बात नहीं। ला भाई यहाँ सर आने बहुत मुर्गे दरेड़ा बहुत ज्यादा मुर्गे दरेड़ा देगी। यहाँ तो भाई मिठाई लेकर फिर चलेंगे अपन घर की तरफ। तो एक बार पहले मिठाई ले लें क्योंकि दिवाली का टाइम है, तो थोड़ी बहुत ही मिठाई बांटनी भी पड़ा यहाँ तक मैं। तो अभी मैं हूँ डांट में, डांट के बाद भाई यू भाई है, ये बंदा बहुत सही है भाई। क्या नाम है भाई तेरा? हरिओम। हरिओम। तो क्या काम करेगा ना भाई? ये मिठाई का काम लगा। मिठाई का काम लगा? कौन से काम का? बिहार बर्रा। देखो भाई बहुत बढ़िया स्कोर आए हो है। इसने कल ना तो आ जाएगा इस वीडियो में, देखिए मैं वीडियो पाऊँगा वापस है तेरे चैनल पर। कोई तो इसमें देख लिया अपने आपने तेरे दिखने का सारा। ठीक है और भाई ठीक है, रही भी एक भाई है भाई। देखो ठीक है भाई, तेरा क्या नाम भाई? विशाल। विशाल क्या काम करेगा भाई? हलवाई का काम कराएगा। बिल्ला भाई देखो भाई, अगर था ना कुछ भी चाहिए हो तो इनकी दुकान पर आ जाए करो जी। बढ़िया बंदे हैं, बहुत सही बंदा आयु, इन्हें बहुत खातिरदार करी। मैं तो चाप बनाकर प्याई इसमें कम जाना। ठीक है बरा, कल आ जाएगा इसमें तो सब्सक्राइब करो यहाँ तक वीडियो आ जाएगी मेरी। ठीक है भाई। मौसमी के जूस का गिलास, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है इसलिए मौसमी का जूस का गिलास पीना। We'll be right back.
कौन सी वीडियो? कौन सी वीडियो? कौन सी वीडियो? कहाँ? कौन सी वीडियो? कैसे और कैसे क्यों? याली केर थरी पर। अच्छा क्या करना है करें? काम कर रहा है। क्या तो कुछ करता? बस हम तीनों आए और कड़ा बाकी। और बाकी जा रहे हैं छत्तीसगढ़ जा रहे हैं। और तो कल्ला आओगा? और एक कल्ला आओगा। हाँ। मामा जा रहे हैं? एक मामा का जा रहे हैं 10 दिन ये बार कल्ला आओगा। अच्छा और कौन सा नहीं आया? क्या दिन हम 4 दिन नहीं आए करते? एक और कड़ा है। सीवी भी नहीं आंदा नहीं थम आया तीनों जने और दिवाली पे भी आओगे फिर दिवाली वाले दिन पूजा पाजा नहीं करते करा करेंगे। चलो ठीक है कर लो फिर मैं पाऊँ मैं थोड़ी देर में आहो दिखाया दूँ मैं बाल तो पहले इसने मैं चार्ज ला दी फोन बैटरी लो हो रही है उसका क्या नाम था उसका क्या नाम कौन था तो इडियट कौन है इडियट हैं कौन है इडियट बता तो उरा तो आप अलग उरा इन्हें ना छेड़ा उरा आप अलग उरा मेरी बात तो सुन पहले फिर नहीं बता इडियट कौन था इडियट वो छोरा इडियट था क्या कहा था तेरा इडियट तेरा कहा था इडियट ना मारा था जानता हूँ तेरा मारा था क्या था मारा था अच्छा अब तो क्या पढ़ा था क्या पढ़न लग रहा था तो कर जा उरे तो आ बात तो सुन मेरी तो बोल दे कहते नहीं बोलूंगा ना पहले उरे सुन मेरी बात सुन ओए सुन भी ऊपर तो मुंह कर ले तो बोल दे कहते नहीं चश्मे लगा दे क्या लगा दे खर पहले नहीं बता तेरा नाम क्या है नाम रितिक रितिक रोशन ना रोशन नहीं रितिक कल्ला रितिक नाम है रितिक रोशन नहीं है तो ना और शक्तिमान शक्तिमान है तो ना तो रोशन अच्छा नहीं बता तेरा किसकी वीडियो बढ़िया लग गया किसकी वीडियो तेरी लग गया वीडियो तेरे कौन सी देखी मेरी वीडियो डोले वाली के करूँ था उसमें मैं अंकल उस डोले वाली वीडियो में के करूँ था कौन मैं तू मैं तो कच्ची भी कौन पाल रहा था कच्ची नहीं पाल रहा था तन्ने कड़ा देख पैर तो रहा था कड़ा देख ले बता मेरी सारी वीडियो में पैर नहीं रहा हूँ मैं कड़ा तो पहले खड़े तो एक मिनट खड़े तो हों दबीन तो क्या था तूने कहा था मैं डोले बताऊंगा कल क्या था डोले बनाऊंगा डोले बनाओगा किस तरह के डोले बनाओगा डोले फोटो लाई और तेरे फोटो लाई थी रात जो सी फोटो लाई थी रात मेरे पर के बनाओगा डोले देखे थे ना मेरे डोले बढ़िया लग गए थे ना मेरे डोले तेरे मेरे डोले बढ़िया नहीं लगते ना और तो कहता बढ़िया लग गए बढ़िया लग गए चल ठीक है फिर तेरे जिम ज्वाइन करवावांगे फिर तो डोले बनाए करिए बना लेगा चल फिर ऊपर चलेंगे जा डोले तेरे चपली कड़े डोले पैर ले फटाफट चल चल ऊपर खोल दे पाट ना। क्या था मैंने मुंदा हो रही हो मैंने बंद करके जाओगा खोल दे भी खोल दे सो हेलो दोस्तों मैं आ चुका हूँ घर बस अभी पहुंचा हूँ अब मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा उसके बाद अपना डिनर करूंगा उसके बाद सो जाऊंगा तो बस यही था मेरे इस व्लॉग में आज के में
तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बने रहिए मेरे साथ और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मेरी वीडियो को ऐसे ही लाइक करते रहिए, वीडियो को हो सके तो आगे से आगे आप शेयर कीजिए करिए। तो चलिए मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट व्लॉग में।